हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे BS PSCL की जो पूर्व में एग्ज़ाम हुए थे, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की, उसका जो है पेपर डिस्कशन करेंगे 2018 का। देख सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम 2018 में हुई थी, उसका पूरा जो है डिस्कशन करेंगे। जो पेपर हुआ था 100 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें किस किस सेक्शन से क्या क्या थे आप सारी इसमें जान सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला था, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी से जुड़ा एक स्थल है जो भारत की राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देख सकते हैं, जुते हुए खेत, नक्शा नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग और अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अमलानंद घोष बीबी लाल एवं बी के थापर इसके असल के प्रमुख उत्खनन करता है। कौन सी निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करता है? पाक स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डक्कन पैसे। करेक्ट आंसर होगा आपका पाक स्ट्रेट, जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है, और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार को, 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और 9 डिग्री जो है कवरत्ती और मिनिकाय को, और 8 डिग्री मिनिकाय और मालदीव को जो है अलग करता है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और पाक स्टेट सभी हम लोगों ने जाना। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार साइकिल किसका मान्यता प्राप्त चुनाव प्रतीक है? जैसे जानते हैं साइकिल समाजवादी पार्टी की है, और किसका यूपी में जो है इसकी कई बार सरकार बन चुकी है, वर्तमान में विपक्ष पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी के देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, मणिपुर पीपुल्स पार्टी। करेक्ट आंसर इसका होगा इसके साथ ही देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर पीपुल्स पार्टी दो लोगों का चुनाव चिन्ह है। इसके अतिरिक्त पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324-329 तक निर्वाचन से संबंधित उपलब्ध उपबंध किया गया है। यानी साइकिल की जो चुनाव चिन्ह है वो मणिपुर, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तीन जगह है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन दो ही दिया है, इसलिए यहाँ पे मणिपुर पीपुल्स पार्टी और समाजवादी यहाँ पे जो है साइकिल की चुनाव चिन्ह है। कौन सी विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है? संतरा, गाजर, दूध, बादाम। तो विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम साइनो को बोलामिन है, इसकी कमी से एनीमिया होता है, और दूध इसका जो है स्रोत है। आनंद मंड के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। धातु के भौतिक गुण से बने में कौन सा है? तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। दक्कन का निम्नलिखित में कौन सा पर्वत नर्मदा और तापी नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा। भारत
गणराज्य की वरीयता कर्म संस्कार, देश का दूसरा नागरिक कौन है? तो वीपी वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट नागरिक प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद अपने राज्यों में भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का दौरा किया था? तो नरेंद्र मोदी ने 2018 में आज़ादी के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का दौरा किया था। कौन एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तक नहीं है? पंडित शंभू महाराज जो है कथक से जुड़े हैं। तो इस तरह हमने 10 क्वेश्चन जो है जीएस या कहें करंट अफेयर्स के डिस्कस किए। 100 नंबर में 10 नंबर का आपका जीएस या करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद रीजनिंग है 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से 4 जोड़ा दिया गया है, 3 किसी से संबंधित है, असंगत ज्ञात करना है। तो जितने भी संख्याएं दी गई हैं देख सकते हैं, 13, 17, 27, 37, 17, 19, असंगत चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि 17, 19 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। असंगत को ज्ञात करना है चतुर्भुज आयत वर्ग घन, तो घन अलग हो गया क्योंकि ये 3 डायमेंशन है और बाकी सब 2 डायमेंशन है। एक निश्चित कार्य में 9 घंटे काम करके 25 दिन में पूरा किया जाता है। दिन में 4.5 घंटे काम करके उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या होगी। तो 9 घंटे में इसका एक फॉर्मूला होता है MDH, मिनट डे हावर्स, ठीक है। H1 है हावर्स 9 घंटे हैं और H2 है 4.5 घंटे, D1 है 25 दिन, D2 निकालना है। तो H1 और D1 में मल्टीप्लाई कर दिया गया है दिन और घंटे में, यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन। इस तरह निकाला जाता है MDN इज इक्वल टू M2 और इसी को हम लोग क्या है बराबर कर देना रहता है। तो इस तरह आपका 50 दिन आएगा, ठीक है। और एक सीट दिया गया है फोल्ड करके बनाया जा सकता है, तो कौन सी आकृति? तो ये सीट है और इसका फोल्ड करके ये सारी आकृति बनाया जा सकता है, ठीक है। अमन की आयु का 5 में चौथा 4/5 भाग मनीष की आयु के 2/3 के बराबर है। अमन और मनीष की आयु का अनुपात है। तो ये 4/5 भाग और उसका 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4×3 = 12 और 5×2 = 10 यानी 6 और 5। तो ये अमन, तो ऐसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल का औसत मासिक तापमान का 40 डिग्री सेल्सियस है। अप्रैल और फरवरी का औसत मासिक तापमान का 39 डिग्री सेल्सियस है। मार्च का औसत
तापमान ज्ञात करना है। तो फरवरी मार्च और अप्रैल का मासिक तापमान दिया है, यानी 3 मंथ हो गया, तो 3 × 40 120 सेंटीग्री। और अप्रैल और फरवरी का दिया है मासिक, तो 2 × 39 = 78। और फरवरी मार्च अप्रैल में से हम अप्रैल फरवरी का घटा देंगे तो मार्च का औसत निकल जाएगा 42 सेंटीडिग्री। ठीक है, सवाल बहुत ज़बरदस्त है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है उतना विशेष, बहुत आसान है। एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है, एल एस का भाई है और डब्ल्यू का पति है, पी एस का पिता है, एस की पुत्री है, एस की भतीजी कौन है। रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही आसान है। एक्स वाई की बहन है और यल की पुत्री है, यल जो है एक्स जो है वाई की बहन है और यल की पुत्री है, यानी यल की पुत्री है ये, यल यस का भाई है, यल जो है यस का भाई है। और डब्लू का पति है, पति है, पी ई एस का पिता है, पर जाएगा पी एस के की पुत्री है, यस की भतीजी कौन है, तो जाहिर सी बात है यक्ष की भतीजी उसके भाई की पुत्री, तो जो यक्ष है तो यक्ष होगा, इसका आंसर देख सकते हैं, यक्ष की भतीजी है, वही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह एक और दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी आईसी से सर्किट सब रिलेटेड है, तो सिविल अभियांत्रिकी किसके रिलेटेड है, तो ग्राफ जो है थ्योरी से। तो इस तरह हमने लगभग 19 और 20 लास्ट क्वेश्चन, सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में अगली संख्या क्या है, 341, 39, 336, 331, 324। तो -2 का डिफरेंस, -3 का, 5 का, 7 का डिफरेंस है, तो अगली संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7 इसी तरह होगी। 324 हमें ज्ञात करना है, 331 के बाद 324। तो अब तक हम लोगों ने देखिए 10 + 10 = 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें 10 GS और GK आ रहा है, 10 रीजनिंग आ रहा है। अब 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, रीजनिंग और मैथ दोनों था इसमें, 10 नंबर में रीजनिंग मैथ और 10 नंबर में GS + GK करंट, 10 नंबर और 10 नंबर में रीजनिंग प्लस मैथ, 20 नंबर हो गया। अब बचा 80 नंबर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या शुरुआत है। अब नेक्स्ट टॉपिक 21 जनरल इंग्लिश है, सेक्शन 3, 21 नंबर से, आई डिफाइन द साइनोनिम ऑफ वर्ड सबटल। तो इसका अर्थ होगा गूढ़ जटिल, इसका अंडर स्टेट जटिल जो है क्या है, साइनोनिम होगा। एंटोनिम कैमरा डराई, तो इसका होगा बी एनिमोस्टी, जिसका अर्थ होता है
शत्रुता, इसे तो वेरी डिफिकल्ट जर्नी मेड हिम। फ्रेज पहचानना है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज, कौन सा फ्रेज है, तो एडजेक्टिव फ्रेज है। आई डिफाइन द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज इरर, कौन सा इसमें इरर है, इरर खोजना है, तो इरर इसमें ऑन द मैच है, क्योंकि ऑन द मैच के स्थान पर ऑफ द मैच का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। आई डिफाइन द एंटोनिम वर्ड टर्मिनेट, टर्मिनेट का जो है क्या होगा, तो वर्ड वर्ड टर्मिनेट का इंटीएट, ठीक है, प्रारंभ करना। आई डिफाइन द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन इरर, कौन सा इरर है सेंटेंस में, तो लीव द शोर, यहाँ पर जो है लेफ्ट द शोर का प्रयोग होगा। इसी तरह ए पर्सन हु मेंटली इल, तो उसे क्या कहा जाता है, ल्यूनेटिक, मत वाला पागल। आइडम यूज कहाँ किया गया है, कौन सा है, तो इंसान, ही मस्ट आउट ऑफ हिज माइंड थिंक ही कैन कंप्लीट द टास्क इन द, इंसान। तो देखिए इंग्लिश 10 नंबर का है, 10 10 और 10, 30 नंबर हुआ, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर रीजनिंग मैथ, 10 नंबर जीके जीएस करंट अफेयर, और 10 नंबर का हिंदी। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनिल नहीं है, पानी है, सलील है, जीवन है, ठीक है। उन्होंने एक कहानी, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उर्दू में अनुवाद किया है का, उर्दू में, तो यहाँ पर का होगा, लोकोक्ति का सही अर्थ से मिलान करना है। पंचों का सिर माथे हमारी बिल्ली हमें से मियाऊ, सहज पके सो मीठा होए, बीती ताई बीत सारी दे आगे की सुधी ले। पंचों का सिर माथा मतलब देखिए हिंदी भी आसान नहीं है और टॉप भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, तो इसका आप लगा सकते हैं, हमारी बिल्ली सहायता करने वाले पूर्वम चवाना, ये हो सकता है, यानी दू कड़ी, यहाँ पे देखेंगे दू कड़ी कोई है इसमें, तो देखिए दू कड़ी, इसी तरह हम लोग इलिमिनेट करते हैं, अब पकड़ा गया कि दू कड़ी हमारी बिल्ली हम इसमें हो, तो पहला का ये होगा, दूसरा गड्डी, तीसरा गड्डी, चौथा का भी होगा। अब कैसे देखिए, पहला का ये पंचों का सिर माथा मतलब कहाँ फैसला मानना, तीसरा का सिर सहज पके सो मीठा होए, समय पर ही काम पूरा होता है, सहज पके सो मीठा, और चौथा का भी बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, मतलब बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचना चाहिए। पंचों का सही, देखिए वही सब चीज़ें, पर्यायवाची से मिलाप करना है, किरण यमराज बुद्धि कुबेर, तो किरण का मयूख होगा यमराज का अंतक, बुद्धि का मेगा, कुबेर का यक्षरान, जीव का युग्म शब्द बताना है तो जंतु होगा, वामा कलत्र जाया का पर्यायवाची बताना है, तो पत्नी होगा, पत्नी भार्य भी पत्नी होती है, देवी देवता नहीं होगा, बी और सी दोनों होगा इसका। आज तहसील में दंगे की संभावना की जा रही है, कौन सा भाग गलत है, तो इसमें आपका की जा रही है गलत है। अब देखिए देनदार गुट खंडन प्रकट, देनदार में उल्टा, देनदार गुड का सरल, खंडन का मंडन, प्रकट का रूप, सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है। संभल ने कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया जिसके कारण मोहन उससे कन्नी काटने लगा, यही होगा इसका, यानी हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए।
मतलब दस 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 और दस, 10 नंबर आपका, ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स, 10 नंबर में रीजनिंग और मैथ, 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का फिर से देखिए हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का रीजनिंग और मैथ और 10 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर्स, 40 नंबर का और 40 यहाँ हो गया, और 20 नंबर का कंप्यूटर होगा, 60 नंबर और मे बी 40 अकाउंटेंट। अच्छा आगे हम लोग इसको और देखेंगे। तो कंप्यूटर है 40 से वह क्वेश्चन, 41 नंबर, कौन सा ईमेल में अटैच फाइलों का मान्य उदाहरण है? तो सभी हैं, स्कैन की फाइल, तस्वीरें, वीडियो क्लिप, ध्वनि संगीत, डेटाबेस, सभी फाइलें हैं अटैच। कौन सी प्रक्रिया डेटा लीकेज से बचाती है, भले ही हैकर ने आवश्यक फाइलें प्राप्त के लिए? तो इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका इंड टू इंड सिक्योर रहता है, ठीक है। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता का पॉपअप के माध्यम से लगातार विज्ञापन प्रदान करता है? तो एडवेयर, ठीक है। सुरक्षित कंप्यूटर प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर पर सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के सर्वोत्तम तरीका क्या है? कि आप उसको पासवर्ड रखें, ठीक है। कोएक्सियल केबल के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें क्या होता है कि कोएक्सियल केबल जो है डिजिटल डेटा और वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, सिग्नल के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, केबलिंग पेयर केबल की तुलना नेटवर्क उपकरणों बीच अधिक केबल संभाल सकती है। सामान्य 2 प्रकार की कोएक्सियल केबलिंग होती है, मोटी और पतली। मतलब जो केबल का तार लगता है ना, ऐसे आप देखते होंगे वायरिंग, तो ये सिग्नल प्रदान करता है जो ऊपर डिजिटल। डिजिटली जो है सिग्नल किरणों के माध्यम से ट्रांसमिट करता है। तो वही कह रहा है कि वीडियो जो भी आप देखते हैं, टीवी, मोबाइल, बात करते हैं, सब क्या है, ऑडियो वीडियो वगैरह सब उसी से ट्रांसमिट होता है डेटा ग्रुप। मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? तो वीडियोग्राफी करें, इमेज जो प्राप्त करता है विजी होता है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, ये कंप्यूटर से सब रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पेस बॉल एक ग्राफिक इनपुट डिवाइस है, गोलाकार बॉल पर आधारित होता है, डायरेक्शन के साथ बॉल पर ओरिएंटेशन, थ्री गति को परिभाषित करेगा, मॉडल की गति निर्भर होती है। तो 6 इनपुट। कौन सा सोशल नेटवर्क ट्रेनिंग साइट का एक उदाहरण है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट जो है लिंक्डइन है, बिंग, आईबी, ओपेरा, ये सब क्या है? ब्राउजर। स्क्रीन या मॉनिटर का दूसरा नाम डिस्प्ले है। यूएसबी कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच फास्ट कनेक्शन की अनुमति, फ्लैश ड्राइव देता है, कैमरे। यूएसबी का फुल यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी। और एमएस एक्सेल में कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप आगे के सेल्स पर ड्रैग करते हैं, सीरीज पूरा करते हैं? तो आइकन के ऊपर छोटा सा पतला प्लस आइकन होता है। इस तरह होगा और इसी पर एक
प्लस ऐसे रहता है, तो इसी को आप क्या है प्लस में प्लस होता है, तो इसको खींचते हैं, ड्रैग करते हैं या नीचे खींचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित स्पेसिफिकेशन बैकग्राउंड इफेक्ट दर्शाता है, तो आउटलाइन व्यू में वायरलेस माउस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो रेडियो वेव का संचार माध्यम। वैन का प्रारंभिक उदाहरण निम्न कौन सा है, तो 1.2.5। एक ही ट्रैक में चलने वाली ट्रेन किस ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है, तो हाफ डुप्लेक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी नए डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट पेज की चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, पेज की चौड़ाई 8.5 इंच और ऊंचाई 11 इंच। ये होगा चौड़ाई जो 8.5 इंच और ऊंचाई 11 इंच। कुटले खन का अर्थ है क्या है, सिक्योर बनाना। तो हम लोगों ने कितना 59 अनाधिकृत उपयोगकर्ता के लिए डेटा को पठनीय से अपठनीय रूप में परिवर्तित करना। कूटलेखन का अर्थ है ना इनक्रप्शन का, कि ये थर्ड पार्टी तक तो अगर जा रहा है तो वो उसको पढ़ नहीं सकता है, नॉट रीडिंग। उसको एक कोड दिखाई देगा कोड के जो समझ नहीं सकता है, मतलब आप जिसके पास भेज रहे हैं इंड टू इंड जो सिक्योर होता है वो वहीं पढ़ेगा, जिसके पास जा रहा है वही कोड है और वो रीड कर लेगा, उसके बाद दूसरा कोई उसको नहीं पढ़ सकता है। यही है इंड टू इंड सिक्योर इनक्रप्शन, जैसा कि व्हाट्सएप में है, अदर चैटिंग ऐप में कहीं अनसिक्योर भी है कहीं सिक्योर है, तो ये कंपनियां आपको इन्फॉर्म करती रहती है कि हमारा डाटा सिक्योर है। कभी कभी लीकेज होता है तो आपकी पर्सनल चीज़ों को वायरल करते हैं, बेचते हैं थर्ड पार्टी से, तो इसका जानकारी होना ज़रूरी है। अब देखिए हम लोगों ने 61 पर आ गए, यानी 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया। 40 में क्या है, तो 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 रीजनिंग मैथ, 10 जीके जीएस करेंट, 40 ये हो गया, और 20 कंप्यूटर, 60 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब 40 नंबर जो है ये कॉमर्स है, 40 नंबर कॉमर्स से आता है। साफ है कि अगर आपकी तैयारी होगी तो 40 नंबर कॉमर्स से, 20 नंबर कंप्यूटर से, 60 नंबर ये हो गया, 10 नंबर हिंदी से, 70 नंबर, 10 नंबर इंग्लिश से, 80 नंबर, 10 नंबर रीजनिंग मैथ से, 90 नंबर, और 10 नंबर जीके जीएस करेंट अफेयर, 100 नंबर, और कट ऑफ, कट ऑफ भी है, पिछली बार हाईएस्ट कट ऑफ 80+ गया था, और इस बार उसमें जोड़ लीजिए 10-5 और जोड़ लीजिए, कट ऑफ इस बार हाई रहने वाली है। 81 जब पिछले बार 80+ था, तो इस बार कट ऑफ बहुत जाए, मे बी 90-95 भी जा सकते हैं, कहने का कुछ आशा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा गिरेंगे। छः से 7 लाख के बीच में फॉर्म गिरने के चांसेस हैं। चार 5 लाख तो पूर्व में ही फॉर्म गिर चुके हैं। कॉमर्स सेक्शन देखिए, आप जोखिम स्तर की गणना कैसे करते हैं, तो जोखिम स्तर की गणना करने के लिए आपको डेंजर लेवल में, एवरेज एवरेज कंजप्शन में, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड
से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, जो कि मस्तर औसतन खपत और तत्काल खरीद के लिए अधिकतम वितरण होते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सी। दो हजार 13 के अनुसार बोर्ड मीटिंग की कार्य साधक संख्या क्या होनी चाहिए? बोर्ड मीटिंग की कार्य साधक संख्या इसकी कुल क्षमता या दो निर्देशकों से एक तिहाई जो भी अधिक होनी चाहिए। ये लेनदार दिया गया है 10,000 था, फिर लेनदार का समापन 25,000, लेनदान को 12,000 का भुगतान किया गया, कौन से 2,000 वर्ष बारे में खरीदी गई राशि है? तो निकालने के लिए परिचय राशि निकालने के लिए आपको एंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर का अंतिम बैलेंस प्लस पेमेंट मोड देखना है, और बिगिनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का निकालेंगे तो परचेज निकल जाएगा। तो हमने कहा कि एंडिंग बैलेंस कितना है, समापन पर राशि 25,000 है और लेनदारों को 12,000 का भुगतान किया गया, तो 25 × 37 और शेष राशि है 10, 37 में 10 घटाइए 27, आपका आंसर आ गया। ये आसान है, लेकिन कब, जब आप जानेंगे तो। परचेज राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लेनदार हैं अंतिम बैलेंस उसमें जो खरीदे हैं उसको जोड़ के, और जो अंतिम बैलेंस है उसमें से घटा दीजिए। एंडिंग बैलेंस क्रेडिटर प्लस पेमेंट जितना किए हैं और जितना बैलेंस शुरुआती में है घटाएंगे। 6.5 घंटे प्रति मानक की लगदी अवधि 15,000 श्रमिक घंटे का काम किया गया था, श्रम कार्य क्षमता भिन्नता 78% अनुकूल थी, तो कितने मानक घंटों का उत्पादन किया गया था? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड हावर्स में एक्चुअल हावर्स घटा के स्टैंडर्ड रेट से गुणा करते हैं। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर 6.5 घंटा है और स्टैंडर्ड हावर्स जो है कोस्ट पर आवर 4.5, एक्चुअल हावर्स 15,000 है, तो 7,800 को 6.5 से डिवाइड किया गया है और जितना आया है उसको गुणा किया गया, ठीक है। हम लोगों ने 61वां क्वेश्चन देख रहे थे, यही था ये वाला। तो देख सकते हैं 7,800 6.5 से डिवाइड किया गया है, तो 1,200 आया है स्टैंडर्ड, और 15,000 प्लस 1,200 16,200। आ गया है एक उत्पादक के लिए वस्तु सेवा कर जीएसटी के लिए करयोग्य प्रासंग का ऊपर आकर्षित किया सकता है, तो माल की आपूर्ति द्वारा। पेंशन जो मिलता है पेंशन तो किसके तहत शीर्ष किया जाएगा वेतन से? 5 तरह के आपके एसीएस होते हैं इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सैलरी वगैरह मिलता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होता है सैलरी, तो वो सैलरी हेड में जाएगा। 1961 का प्रावधान है। बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस क्या करता है, तो क्या करता है
आपको बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस क्या करता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बताता है। ध्यान रहे, कैशबुक का डेबिट बैलेंस आपके लिए फेवरेबल है, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है, बैंक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है और डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है। तो ऊपरी व्यय किसका कुल योग है, तो सभी अप्रत्यक्ष लागत का और इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट का नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड। कंपनी के बारे में हम बता दें कि आपको देखिए कुछ कुछ डिस्कस कंपनी दो प्रकार की है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर 2 और अधिकतम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 और अधिकतम जितना शेयर खरीद ले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें सभी में अधिकतम 15 हो सकते हैं और मिनिमम प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। एक होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जिसमें मेंबर होते हैं 1 और अधिकतम 1, ठीक है, मेंबर, और 15 हो सकते हैं डायरेक्टर, ठीक है। अंतर्राज्यीय के मामले में दिया जाता है इंटरस्टेट IGST, ठीक है। एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में जाता है, जहाँ उपभोग होता है तो वहाँ IGST लगता है, ठीक है। वहीं देखिए आ गया, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में तो अनगिनत, जहाँ भी PVT लिमिटेड हो तो वह समझिए प्राइवेट है, और जहाँ पर भी LTD हो लिमिटेड है तो समझिए वो सरकारी है, ठीक है। तुलन पत्र में कौन सी वस्तु दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत बेनकद मानी जाएगी, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो है फिक्स एसेट्स है, और बाकी सभी ट्रेजरी बिल बैलेंस ये सब क्या है, ये नगद टाइप का है, मान के चलिए करेंट एसेट है, इसको क्या है भुना सकते हैं। कंपनी आम बैठक कितने दिन के भीतर वित्तीय विवरण रजिस्ट्रेशन से दर्ज किया चाहिए, तो 30 दिन के भीतर। देखिए पहले 1956 था कंपनी एक्ट, अब 2013 हो गया, ठीक है। इसमें 658 धाराएं थीं और इसमें 470 हो गया है, 470 है, 29 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं, 470 धारा, 29 अध्याय और 7 चैप्टर शेड्यूल, 7 अनुसूची हैं, ठीक है। कौन सा इसमें देखिए करें एसिस्ट बराबर होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, देखिए करंट लाइबिलिटी कौन सा है इसमें, देखिए ये डेटर है, करंट एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर यही है करंट लाइबिलिटी, और पूर्वोत्तर एक्सेंस इन्वेंट्री सब क्या है करंट एसेट है। शेयर को सम मूल्य पे जाना जाता है तो इसका क्या है फेस वैल्यू। अभी वर्तमान में कंपनी 2013 में जो है कंपनी एट पार सम मूल्य पर और प्रीमियम पर जारी कर सकती है, डिस्काउंट पर
कभी नहीं जारी करेगी। ठीक है, एकल प्रवेश प्रणाली के तहत तैयार संपत्ति और देनदारियों के विवरण को आप क्या कहेंगे? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे। एक लेखा नियम के रूप में डेबिट दर्शाता है, तो डेबिट क्या है? इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स में बढ़ोतरी हुई तो वो डेबिट। खर्चे भी होते हैं तो डेबिट में होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। एक व्यक्ति की निर्धारित कुल सकल आय 80,000 है, उसने 90,000 का जीवन बीमा कराया है, तो कर योग्य आय क्या है? नील कुछ नहीं होगा क्योंकि 1.5 लाख तक क्या है, एग्जेम्प्ट है। व्यक्तिगत खाते के लिए गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, CSR के तहत कितना 500 करोड़ या उससे अधिक है, तो CSR मतलब आपको कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के ऊपर कुछ खर्च करना होता है। अगर इसका टर्नओवर इतना मुनाफा हुआ, शुद्ध लाभ 500 करोड़ अधिक है, तो सामाजिक दायित्व है उसका 2% 5% जो भी है, 2% उसका खर्च करना होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग डोनेशन दे देता है चैरिटेबल ट्रस्ट में या और चीज सामाजिक कार्य करते हैं कंपनियां। को देखिए बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, डिस्कस किया जाएगा अभी। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसी तरह कई चैप्टर पढ़ेंगे, कई चीज़ें नया भी जानेंगे। पूंजी व्यय का एक उदाहरण है, तो जो भी आप क्या है एक्सपेंडिचर करते हैं मोटी रकम में संपत्तियों को बढ़ाने के लिए, वही किए हैं। पट्टे पर दी गई भूमि को कंपनी के वित्तीय विवरण में दिखाया जाना चाहिए, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट। और कंपनी 2013 के अनुसार कौन सा व्यक्ति प्रबंधकीय पूंजी के रूप में जानता है जाना जाता है? सचिव। GST कानून क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स भी दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो पब्लिक पे करता है, जैसे आप खुद पे करते हैं अपना टैक्स, तो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट जो भी हम सामान खरीदते हैं तो उस पर इनडायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट को, GST हो गया। अब देखिए ये शेयर बाजार का है, कंपनी में देखिए शेयर इशू किया जाता है। शेयर भी कई प्रकार का होता है, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस होता है और इक्विटी, तो इक्विटी ओनर होता है और वोट देने का अधिकार होता है, लाभ हानि का सभी पर लाभांश दिया जाता है, लेकिन पहले पूर्वाधिकार अंश को दिया जाता है, ये वोट नहीं दे सकता है। लाभ में इसको पहले हक है लाभांश में, और इसको जो भी है कंपनी दिवाली अगर होगी तो पहले इसको पेमेंट होगा प्रेफरेंस को, इसको नहीं। ये ओनर होते हैं इक्विटी, और प्रेफरेंस पर एक निश्चित दर अमाउंट फिक्स होती है कि आपको मिलेगा इतना। अब जब शेयर जारी करती है कंपनियां, तो मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, तो जरूरी नहीं है कि सभी पैसा एक ही बार मांग ले, कई किस्तों में मांगती है। तो एक एप्लीकेशन होता है, एक अलॉटमेंट होता है, एक फर्स्ट कॉल होता है, एक सेकेंड कॉल होता है और एक फाइनल कॉल होता है। ठीक है, इस तरह। तो मान लीजिए एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 20, 40, सभी पर 20-20 रुपये मांग ली, तो 100 हो गया 5। अगर प्रीमियम पर जारी की है मान लीजिए 125, तो किसी में 25 और जोड़ देगी एप्लीकेशन, चाहे अलॉटमेंट में 25 इस तरह मांग लेगी। अगर डिस्काउंट में तो जारी कर नहीं सकती, 2013 में प्रावधान है, 1956 में था डिस्काउंट पर भी जारी करती थी। तो वही है शेयर बाजार है, ये देखिए पुस्तांकित मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पे।
टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी 15 और लाइबिलिटी है 9 लाख का, तो 6 लाख बचा। 6 लाख में जो बुक वैल्यू है 2.5 लाख, तो पर शेयर का दाम निकल गया। कुल संपत्ति 15 लाख है जिसमें 9 लाख लाइबिलिटी है, तो बचा 6 लाख, और जिसमें 2.5 लाख बाकी है, तो 6 लाख में भागा करेंगे 2.5 लाख से, तो 2.5 रुपये प्रति शेयर जो है क्या है बाकी है। पाँच रुपये आ गया देख सकते हैं। तो 12 पर से वही है, 15 में से 9, 6 हो गया, 6 से 2.5 लाख आ गया, 2.4 से मार्केट वैल्यू है पर 12 रुपये पर से, 12 रुपये का 2.4, तो 5 आ गया। ईवीए का फुल फॉर्म है तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, 88%। जो भी बाकी चीज़ें हैं देख सकते हैं, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी सिम कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को वापसी योग्य जमा प्राप्त करती है, उसमें 4 साल के सदन कुछ ज़्यादा नहीं है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा। अनुपात विश्लेषण देख सकते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो कुल ये आप देख सकते हैं। कुछ अपना प्रयास कीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस लॉस कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नेट लॉस कैसे निकाला जाता है, इस पर सवाल आप 96 देख सकते हैं। बैंक समाधान विवरण BRS है। BRS में क्या होता है, कैश बुक और पासबुक का मिलान किया जाता है। ये व्यापारी द्वारा बनाया जाता है कैश बुक, और पासबुक तो बैंक के पास ऑलरेडी होता है, दोनों का मैचिंग करके बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो Schedule 3 आता है। Schedule 3 के फर्स्ट में प्रॉफिट लॉट और सेकंड में बैलेंस शीट आता है, यही हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन का लेन देन करते हैं, जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद हम लोग लेजर करते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग PL बनाते हैं, PL के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। इससे तो बैलेंस शीट में भी बहुत चीज़ समझना होता है, ये भी एक BRS की समझ की तरह है। दोनों चीज़ आपको बराबर होना चाहिए, एसेट जितना है उसके बराबर पूंजी प्लस लाइबिलिटी जोड़ देंगे। अगर एसेट हमारे पास 10,000 है, कैप पूंजी हमारे पास 5,000 है, तो मतलब 5,000 लाइबिलिटी है, तो 10,000 बराबर हुआ। इस तरह से जो भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में जोड़ते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है, हानि होता है तो घटाते हैं। अगर व्यवसाय से पैसा मालिक ने निजी प्रयोग के लिए निकाला तो उससे घटाते हैं, जिसका नाम है ड्रॉइंग। उसके बाद शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स
लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म में आपका ओवरड्राफ्ट आ गया, बिल्स पेबल आ गया और डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह ये सब आ गया इसमें लॉन्ग टर्म। इसी तरह संपत्ति में फिक्स एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है। करेंट में आपका आ गया स्टॉक, डेटर्स का एसेट, बैंक वगैरह। फिक्स में प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह। और एक होता है काल्पनिक संपत्ति, इमेजिनरी, जिसमें गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स आ गया। और एक एक होता है वेस्टिंग एस्टेट्स, जिसमें माइंस वगैरह आता है, कोल माइंस, खनन वगैरह का। तो बहुत चीज़ें हैं, हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए जो सेट के साथ, डिस्कशन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।